मास्टर किडर यूनियन चैनल देख रहे सारे ही दोस्तों का चैनल पर स्वागत है। पी एस टेट पेपर 2 के संबंधी कुछ नवीं जानकारियां लेके तुहाडे लिए वीडियो च हाज़र होया। जिवें कि पी एस टेट पेपर 2 का जिहड़ा रिजल्ट है वह किन्ने दिनों तक आ सकता है, तो जिहड़ा ग्रेस मिलने चांस ने वो किन्ने क परसेंट तक चांस हैं कि तुहानू जिहड़ी ग्रेस है वह मिल सकती है, क्योंकि पी एस टेट पेपर 1 का जिहड़ा रिजल्ट आ चुका है वो ग्रेस अंक का बहुत ज़्यादा रौला जिहड़ा वो चल रहा है। इस करके तुहानू इस वीडियो इस बारे प्रॉपर जानकारी सारी देवांगे। तुसी वीडियो नूं बिना स्किप किए लास्ट तक ध्यान नाल सुनियो, तो जेकर चैनल पर नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन बटन प्रेस कर दिओ, ता कि तुहानू पी एस टेट की हर एक अपडेट ते नाल नाल मास्टर किडर बारे हर एक इनफॉर्मेशन तुहानू इत्थे मिलती है। प्रॉपर तुहानू सारी जानकारी आपां दिया करांगे। इस तो बाद तुहाडा जिहड़ा सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन बनना है जां किहड़ी किहड़ी तुहानू चीज़ चाहिए है मास्टर किडर वास्ते, किहड़ा सब्जेक्ट चाहिए है, वो सारी डिटेल दी उहदी अपडेट, सिक्ख्या मंत्री नाल मीटिंग बारे अपडेट, तो यूनियन की कोई भी अपडेट होंदी है वो आपां इस वीडियो इस चैनल पर तुहानू दिया करांगे। तुसी चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन बटन प्रेस कर दिओ, ते नाल एक टैलीग्राम का ग्रुप का लिंक असी कमेंट बॉक्स के देवांगे। कमेंट नूं पेन किया होगा लिंक, उस लिंक नूं तां तुसी उस पेन वाले लिंक नूं ओपन करके ज्वाइन कर लियो। वीडियो की शुरुआत करते हैं, गलबात करते हैं पी एस टेट पेपर 2 के विचों जिहड़ा रिजल्ट है वह कदों कदों आ सकता है। पी एस टेट पेपर 2 का जिहड़ा रिजल्ट आने जिहड़े चांस ने, जिन्नी सानूं डिपार्टमेंट वल्लों इनफॉर्मेशन मिली है कि पी एस टेट पेपर 2 का जिहड़ा रिजल्ट है वह लगभग हफ्ते के अंदर अंदर आ सकता, क्योंकि अज शनिवार है, जिदा कल संडे है, तो उस तो बाद नैक्सट वीक जिहड़ा अगला वीक होगा सोमवार तो लेके संडे तक का, उस दे विच पी एस टेट पेपर 2 का जिहड़ा रिजल्ट है वो आने के बहुत ज़्यादा चांस ने एक हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि तुहाडी जिहड़ी ऑब्जेक्शन वगैरह वो लग चुकी है डिपार्टमेंट वल्लों। हुण उहदे ते कमेटी बैठेगी, कमेटी उहदी जांच करेगी सवालों की, तुहाडे सारे जिहड़े सवाल ने उहनां कोले पहुँच चुके हैं कि किहड़े किहड़े तुहाडी ऑब्जेक्शन है, तो हफ्ते के अंदर अंदर वह प्रॉपर करके रिवाइज आंसर की आ जाऊगी। तुहाडी मान लो तुहाडी सीधी रिवाइज आंसर की नहीं आनी, हुण सीधा तुहाडा जिहड़ा रिजल्ट आऊगा कि तुहाडे किन्ने नंबर है जिहड़े वो बन चुके हैं वो सीधा तुहानूं शो होणगे, तो उसकी रिवाइज जिहड़ी आंसर की होगी। सपोज करो तुहानूं किसी सवाल का ग्रेस मिली है या किसी सवाल के नंबर घटे वधने, वो फिर बाद तो रिजल्ट आने तो बाद फिर रिवाइज आंसर की जारी होगी तुहाडी। जिदा पी एस टेट पेपर 1 का बहुत ज़्यादा रौला पै, वो मिस प्रिंट पेपर लगभग सबदा सीगा, सबनों ये उम्मीद सी, सिक्ख्या मंत्री जी नाल मीटिंग भी हुई सी उन्हां दी, सबनों इदा सीगा कि 6-6, 7-7 नंबर की जिहड़ी ग्रेस मिलेगी। असल तो उन्हां दा ये उम्मीद सी कि पेपर जिहड़ा दुबारा होना चाहिए, पर पेपर तो सरकार ने दुबारा नहीं लिया, तो ग्रेस के मामले के भी सरकार ने बहुत ज़्यादा धक्का किया, क्योंकि आप इतने नहीं कहते भी उन्होंने फालतू की ग्रेस मिलनी चाहिए सी। 6-6, 7-7 नंबर किसी का 11 तो लेकर 18 नंबर तक मिस प्रिंट, हुण जिहड़े विद्यार्थी कोल 6 या 7 सवाल ही नहीं पहुँचे उन्हें 144 का 142 नंबर का जिहड़ा पेपर है सॉल्व किया। कई साथी तो इदां दे ने, तुहाडे भी सर्कल दे विच बहुत होने पी एस टेट पेपर 1 वाले जिन्हां दे सिर्फ एक एक नंबर ते रह गए, तो बहुत सारे साथी इदां दे ने जिन्हां दे नंबर घटे ने। असी पी एस टेट पेपर 2 दे विचों ग्रेस बारे तुहानूं डिटेल इस तो बाद दस्सांगे, रिजल्ट बारे तुहानूं दस्सता कि हफ्ते दे विच तुहाडा रिजल्ट है जिहड़ा आउण दी पूरी उम्मीद है, सानूं डिपार्टमेंट वल्लों इनफॉर्मेशन मिली है। हाँ, हो सकता किसी कोई टैक्निकल प्रॉब्लम करके, क्योंकि बहुत बारी रिजल्ट है जिहड़ा वो लेट कर दिता जाता, जिदा पी एस टेट पेपर 1 की सानूं इनफॉर्मेशन मिल गई सी कि जिहड़ी मई दे विच वोटां पैण जा रहियां ने उस वोटां तो एक अद्धा दिन बाद दे विच रिजल्ट जिहड़ा जारी कर दिता जाऊगा, पर वोटां तो एक दिन पहला ही जिहड़ा रिजल्ट वो जारी कर दिता गया सी, वोटां की गिनती तो सॉरी, जिदा वोटां की गिनती अज हुई है तो रिजल्ट है जिहड़ा तुहाडा वो कल जारी कर दिता गया सी। इस करके एक तो यह है भी पी एस टेट पेपर 1 के जिहड़ा बहुत ज़्यादा जिहड़ा घपला होया है, सरकार वल्लों सिर्फ एक नंबर की ग्रेस आ जिहड़ी वो दित्ती गई है जिहड़ा कि सवाल गलत दी, तां जिहड़ा मिस प्रिंट होया उहदी बिल्कुल कोई ग्रेस नहीं दित्ती गई। इस करके वो साथी ने जिहड़े वो सारे इकट्ठे हो के हाई कोर्ट के एक पटीशन पाउन जा रहे हैं, जिहदे नाल कि उन्हां नूं यह है भी सानूं हाई कोर्ट वल्लों जिदा 2018 के एक टैट का पेपर होया सी, उस टैट के पेपर में 5 नंबरों के सवालों की ग्रेस के लिए जिहड़ा रौला वो हले भी चल रहा है, 5 साल हो गए टैट होए नूं पर 5 सवालों पर रौला हले चल रहा है, तो हाई कोर्ट के जो भी कोई फैसला आता तो 1-2 सवालों पर ग्रेस मिलने चांस ने। इस तरह पेपर 1 वाले तो
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪੀ ਐੱਸ ਟੈਟ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਪੀ ਐੱਸ ਟੈਟ ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਵਾਲ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ 2 ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਵਾਲ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1-2 ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਂਸਰ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸਾਈਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪੀ ਐੱਸ ਟੈਟ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਜਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲੂਗੀ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੀ ਐੱਸ ਟੈਟ ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ, 5 ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਮਿਲੀ ਸਿਰਫ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 2 ਦੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ 90 ਨੰਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ 90 ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 89 ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪੀ ਐੱਸ ਟੈਟ ਪੇਪਰ 1 ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਘਟੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਜੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੇਟ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਪਡੇਟ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀ ਐੱਸ ਟੈਟ ਪੇਪਰ 1 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਟਰ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਟਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।